गैस कुछ अर्सा पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी प्यारो राम जो मेरे वीडियो में था, तो उस वक्त वो जॉबलेस भी था, कोरोना की वजह से कारें भी बंद हो गए। तो उसे मैंने मशवरा दिया कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ। लड़का ब्रिलियंट था, उसने बनाया और मोनेटाइज भी हो गया। आज उसकी जो है ना वो फर्स्ट पेमेंट आई है, तो इसलिए मैं कुछ उनके लिए मिठाई और ये बच्चों के लिए कुछ लेज है ये लेके आया हूँ। इनको मिठाई भी देते हैं, तो ये उनका घर है। तो ये है जी प्यारा राम, कैसे हैं? ठीक ठाक सर। ये ले जी आपकी ये मिठाई है जी सर, ये आपके चैनल की मोनेटाइजेशन की खुशी की। तो ये प्यारा राम है जी, ये घर आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ। ये अभी काफ़ी सारी इन्होंने डिजाइनिंग भी चेंज कर ली है, तो यहाँ के जो खूबसूरत बना दी है जो फीमेल है वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। कैसे हो भाई? पहले ही मुलाकात हुई थी भाई? बिल्कुल बिल्कुल हुई सर। तुसी भी सारे को पहले और ट्रैक्टर और नाल मोटरसाइकिल नाले पट्ठे-पुट्ठे को उतर रहे थे, तुसी कर रहे थे ना? बिल्कुल सर। सही है। तो ये देखें जी सराउंडिंग, आप माशाल्लाह जी बड़ा जबरदस्त, ये ग्रीन ग्रास। यार प्यारो राम मजे है यार तेरे। हां बिल्कुल, देखें सर खूबसूरत माहौल है। गाइस ये प्यारो राम का चैनल, ये पता नहीं आपको व्यू नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखें ये प्यारो राम और 30.2K यानी 30,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। जाएं वीडियोस पे, यहाँ पे असल में नेट स्लो है। ये 4 days before 4G 11K 10K 11K माशाल्लाह अच्छा जा रहा है जी। आप भी इनके चैनल को विज़िट करें, ये व्लॉग जो अपने डेली रूटीन के होते हैं वो व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। और ये देखें मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर इन्होंने एक ये टैब ली है और उसी के ऊपर सारी एडिटिंग कर रहे हैं, सारा इसी पर मैनेज किया हुआ है। तो बंदा अगर मेहनत करने वाला हो कामयाब हो जाता है। ये थोड़ा वाटर कोर्स जा रहा है, पिछली दफ़ा हम इधर आए थे तो इधर शलजम लगे हुए थे वो हमने निकाले थे। और अभी देखें ये हल्की हल्की औस भी बड़ी हुई, ये सामने देखें ये कमाद है उसकी चलाई हो रही है। उसके बाद ये शुगर मिल में यहाँ से ट्राली भर के जाएगी, तो वहाँ से इनको फिर ये पैसे मिलते हैं। और कुछ इन्होंने ये अंदर ये गंदम के अंदर ही ये किन्नू के कुछ पौधे लगाए हुए। कितनी पेमेंट आई है पहली? देखें जी यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक हम बता तो नहीं सकते। वैसे किन्नी कह गई है एक अच्छी बाइक आ सकती है सर। अच्छी बाइक आ जाएगी जी, होंडा बाइक है, होंडा 125 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सर। बस फिर ठीक है। तो ये दो एक महीने की है ये वाली? हाँ एक महीने। अभी मोनेटाइज हुआ है? अभी मोनेटाइज, वो भी दोस्तों की मेहरबानी की वजह से जो हमारा चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। चले जबरदस्त हो गया जी। थैंक यू अदा करना चाहते हैं आपका भी और उनका भी। नहीं हमारा थैंक यू बनता नहीं है। ये बाजी जी हमारे लिए चाय बना रही है कि आप लोग आए हैं तो चाय पी के जाएं। और बाकी मैं आपको इनका दिखाता हूँ, पहले जो मैंने घर दिखाया था उसमें थोड़ी डिजाइनिंग चेंज थी। अभी ये देखें ये बाजी जो है जो इनकी वालदा है वो कुछ ना कुछ करती रहती है। ये देखें यहाँ से ये इनकी भी मैंने वीडियो देखी थी प्यारो राम की, उसमें भी ये दिखा रहे थे कि किस तरह से ये फूल बनाते हैं। और बाकी ये दरख्त, ये साथ ही नहर है ये वाली, ये मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये देखें ये नहर है साथ में रोड जा रहा है और इसी लाइन में ये वो काफ़ी दूर तक जो है ना वो घर है। ये सारे ये पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के हैं। प्यारो राम मिठाई वैसे से तुहाडे वास्ते ले आंदे सीगे है। ये जी प्यारो राम के चैनल की खुशी में ये हमें मिठाई इन्होंने सर्व की है, साथ में चाय है। ले सर आ भी ले। प्यारो राम तुम तो खाओ। मैं हम तो खा ही लेंगे। ये घर की गाय का दूध है? हाँ बिल्कुल देसी। तो गाइस ये इन्होंने बहुत देखें सामने गाय भी रखी हुई, उसका खालस दूध, साथ में आप ये देखें एनवायरनमेंट। और गर्मियों में तो यहाँ पे लग ही मज़ा है, सर्दियों का तो है ही। देखें जी इस बच्चे ने साबित किया कि अगर आप में लगन हो, मेहनत करना जानते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये 10,000 के लिए? हाँ बिल्कुल। ये जी 10,000 की इन्होंने लिए और इसी के ऊपर ये सारा गुजारा कर रहे हैं। और एक फ़ोन है 30-32,000 का फ़ोन होगा वो? हाँ। ऐसी इससे भी सस्ते, इससे भी सस्ता है। तो देखिए जी 40,000 रुपये ये बंदा अपना चैनल चला रहा है। और गैजेट्स तो फिर ख़त्म ही नहीं होते, आप 2-3 लाख से लेके 10 लाख तक के कैमरेज भी हैं। ये जी यहाँ पे चारा काटते हैं, ये इन्होंने जुगाड़ लगाया हुआ है, यहाँ बाइक खड़ी करते हैं, बाइक जोड़ के यूं यूं करके। और ये काट लेते हैं, पिछली वीडियो में वो दिखा चुका हूँ मैं। और यहाँ से पानी के लिए जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर नलका है और यहाँ का पानी अच्छा है। देखें जी गर्मियों में तो यहाँ बड़ा बेहतरीन माहौल होता है। ये सामने कमाद की चलाई हो रही है, अभी मैं वहाँ से थोड़े से गन्ने भी लेके जाऊँ। तो ये इन्होंने जी मंदिर जो पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ साफ ज़रा, दूसरी वीडियो बन रही है। प्यारो राम ने कुछ बकरियाँ भी रखी हुई हैं, ये देखें जी ये मुझे बड़ी क्यूट लगती हैं ये वाली ना। ये कैमरे से डर रही है। और ये मंदिर है जी इनका, यहाँ पर अपने ये पूजा करते हैं। ओ
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਆਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੜਾਚਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਹੈ। ये चाचा जी कुछ इनकी जमीन है इधर, ये सामने ये देखें, ये घर है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये हिंदू कम्युनिटी, सारे मिलजुल के रह रहे हैं। और अभी चाचा जी ने हमें ऑफर दिया कि वो सामने एक नजर आ रहा है, थोड़ा टीला है, उसको ठेड़ कहते हैं। ਠੇੜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਘੁਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਆਪਕੋ ਅਭੀ ਹਮ ਵੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਟਾਈਟਲ ਵੀ ਡਾਲੇ ਹੋਏ ਹਮ, ਤੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਾ, ਆਪ ਇਨਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਇਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਥੇ, ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਰਨ ਕੀਆ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। भाई ये देखें, ये काफ़ी हाइट पे है और लग रहा है कि जैसे पिछले दौर में कोई फोर्ट था या कोई बहुत बड़ा घर था, जैसे पुराने दौरों में होते थे, हवेलियां होती थी। और वो सारा इस तरह के चोलिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, ये सारा डैमेज हो चुका है। ये अभी भी देखें, ये मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है इस तरह की। ये देखें, ये मिट्टी के बर्तन, ये उनके अभी भी ये बाकियात पड़े हुए हैं। ये देखें, ये रिमेन्स, ये उन्हीं के हैं। प्यारो राम, ये तुहाडियां ने कबरां जी? बिल्कुल, तुहाडे कम्युनिटी दी है। तो इधर ये जगह गवर्नमेंट की है? नहीं नहीं, ये जो बैठे हुए हैं ना साथ में, हाँ हाँ, इनकी है। ओके, सो गाइस, ये जैसे ये सामने ये चाचा जी खड़े हैं, चाचा आशिक साहब हैं, ये इनका सामने घर है। तो ये ओवरऑल ये पूरी कभी गवर्नमेंट ने जो ज़मीन लाट की थी उस वक्त ये इनको अलाटमेंट हुई। तो अभी इन्होंने कुछ जगह जो है ना ये कब्रिस्तान के लिए ये रख दी है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी है उनकी कब्रें भी हैं जो साथ में, कोई इतने ज़्यादा घर नहीं है इस एरिया में, कम है। और ये देखें जी, ये क्या लिखा है? ये सर जी मंजूरा राम, ये मनोरा राम वल्द पन्नू राम, ये मनोरा राम वल्द पन्नू राम, ये इनके जो हिंदू कम्युनिटी है ये उनकी कब्रें। ये कुछ इधर हैं, कुछ वो सामने हैं। ये सामने वो जी चाचा जी का घर है, आपको वो भी दिखाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਿਕਲਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਹੋਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਹਾਂ ਸੇ ਘੁਲ ਘੁਲ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸਾਈਡੋਂ ਪੇ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਮੇਨਸ ਹੈ ਇਸਕੇ ਜੋ ਕਲੇ ਪੋਟਸ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਬਰਤਨ ਉਹੀ ਕਰੋਕਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਤੀ ਥੀ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਅਭੀ ਵੀ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪੱਥਰ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਹੈਂਡ ਡ੍ਰਿਵਨ ਜੋ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਪੀਸਦੇ ਹਨ, ਤੋ ਇਹ ਉਸਕਾ ਪੀਸ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪੱਥਰ ਕਾ। ਗਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 23 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖੇ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਸਲ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਸਰਸੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੱਟਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜੋ ਜਹਾਂ ਪੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ, ये देखें। और यहाँ से इन्होंने ये देखें ये पंप लगाया हुआ है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यहाँ से पानी निकालते हैं। और आगे ये डिलीवरी के ऊपर आगे ये कपड़े की है, ये देखें ये कपड़े का एक वो ट्यूब समझ लें, और ये यहाँ पे जा रही है आगे, फिर इस एरिया को सारा पानी दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो फसल इसकी निस्बत ये फसल ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर पुराने लोगों की हड्डियाँ, वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पता नहीं क्या क्या जो खादे होती है, यूरिया, वो सारा कुछ इसके अंदर है। तो इसलिए इस फसल की आप देखें क्वालिटी, देखें हाइट, देखें और ये देखें, ये उनका घर है। और सराउंडिंग देखें, बड़ी ज़बरदस्त है। इस वक्त हल्की हल्की फॉग है और यकीन करें यहाँ पर मज़ा आ रहा है। कभी सिटी से निकल के आप इस तरह के इन्वायरमेंट में चारपाई पर बैठ के आप ज़रा चाय पिएगा, फिर आपको पता चलेगा। ये जी चाचा जी ने हमें ज़बरदस्ती यहाँ पे कहते जी चाय लाजमी पीनी है। ये देखें जी, वो सामने गाय खड़ी है, ये साइडों पे चारा है, और ये फ्रेश दूध की चाय। अब ठीक है जी, खालस दूध की चाय का अपना ही मज़ा होता है। सराउंडिंग आप देखें, ये है जी सरसों, ये अभी फूल निकले हुए हैं, इसका साग भी बनता है। और हल्की हल्की फॉग भी है, ना ठंड है ना गर्मी है, और इसमें फ्रेश दूध की चाय, क्या ही बात है। ये बड़ा खतरनाक पाथ है, प्यारो राम तो भागा जा रहा है। हम तो यहाँ के रहने वाले हैं।